पहले नेगेटिविटी का फ्लो था, वो अब बंद हो गया। अब ठहराव आया तो उस ठहराव को देखिए, एटलीस्ट नेगेटिविटी तो नहीं है, एटलीस्ट ठहराव तो है। अब यहां से दिशा चुनने की बारी आएगी, तो जब भी मौका आए सही काम कर, सही कर्म चुनना शुरू कर दो। जब ठहराव आया है तो सही दिशा चुनने की बारी आएगी ना, कि अभी आपके सामने क्या आ रहा है, कर्तव्य क्या आ रहा है, कर्म क्या आ रहा है, सही कर्म चुनना शुरू कर दो, सही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं, तभी भी हम कंफ्यूजन के मोड में होते हैं, तभी भी हम कंफ्यूज हैं। जब दर्द था, नेगेटिविटी थी, तब भी दुखी थे। आज जब सही हो रहा है, ठहराव आया हुआ है, इतना उथल पथल नहीं है, तभी तकलीफ में है हम। पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस मिसिंग है यहां पे। इस ठहराव को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और कर्म करने के लिए आपको यहाँ पे चुनाव करना होगा कि मेरे सामने जो आ रहा है उसमें क्या सही क्या गलत है। पहले उस सही और गलत में से सही को चुनते जाना है, फिर धीरे धीरे सही से भी ऊपर उठना पड़ेगा। पर अभी एटलीस्ट आप इस मोड पे तो आए कि मैं लेफ्ट ले लूं या राइट लूं। ठीक है,